वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न किड्स आई होप यू एल आर गुड एंड यू एल आर सेफ ऑल्सो आज हम पढ़ेंगे ई वी एस में चैप्टर फ़ाइव का पार्ट थ्री चैप्टर फ़ाइव माई फैमिली हम पढ़ रहे थे फैमिली में हमने देखा कि कौन कौन मेम्बर्स आते हैं जो हमारे साथ रहते हैं एक ही फैमिली में एक ही घर में तो वो क्या होती है फैमिली अब आगे देखते हैं हम एक्सरसाइजेज आज सॉल्व करेंगे ठीक है इसकी चलो देखते हैं अपनी बुक, बुक पहले ओपन करिएगा पेज नंबर थर्टी टू पेज नंबर थर्टी टू में क्या है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पहली एक्सरसाइज हमें क्या सॉल्व करनी है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मीन्स वन लाइन गिवन है और उसके थ्री ऑप्शन गिवन है तो थ्री में से कोई वन ऑप्शन करेक्ट होगा जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक भी करना है और ये जो आगे ब्लैंक है उसी की स्पेलिंग उसमें फिल करनी है चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है फर्स्ट है ऑल फैमिलीज लव दियर सारी फैमिलीज अपने किसको लव करती हैं पहला है चिल्ड्रन बच्चों को दूसरा है नेबर मतलब पड़ोसियों को तीसरा है पेट्स मतलब अपने पालतू जानवरों को तो सारी फैमिली सबसे पहले किसको लव करती हैं किसकी केयर करती हैं अपने बच्चों की तो आपको किस पे टिक करना है चिल्ड्रन पे और यहाँ पे चिल्ड्रन की स्पेलिंग फिल भी करना है आपको स्पेलिंग क्या है सी एच आप ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में राइट करिएगा ठीक है आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन यहाँ ब्लैंक में फिल करना ओके okay? नेक्स्ट क्या है वी गेट हेल्प एंड डैश फ्राम आवर फैमिली हमें अपनी फैमिली से हेल्प और ये मिलता है हेल्प और क्या एडवांस मतलब एडवांस पैसे मिलते हैं आपको कि प्राइज़ मिलता है या फिर एडवाइस मतलब सलाह मिलती है तो आपकी फैमिली से आपको क्या मिलता है हेल्प और सलाह यानी एडवाइस तो एडवाइस पे टिक करोगे और एडवाइस यहाँ पे एडवाइस की स्पेलिंग फील करोगे नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैरी आउट डिफरेंट मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स अलग अलग तरह के क्या करते हैं पहला है सॉन्ग अलग अलग तरह के गाने गाते हैं दूसरा है रोल प्ले करते हैं तीसरा है गेम गेम खेलते हैं तो रोल्स होते हैं एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग रोल होते हैं जैसे दादी माँ का काम क्या होता है कहानी सुनाना और मम्मी क्या करती हैं आपको रेडी करती हैं खाना बनाती हैं पापा क्या करते हैं आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं ठीक है ठीके? भाई क्या करते हैं सब्जी लाते हैं या मम्मी पापा भी सब्जी ला सकते हैं तो अलग अलग रोल होते हैं सबके फैमिली में ठीक है तो मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली कैरी आउट डिफरेंट रोल्स किस पे टिक करोगे रोल्स पे नेक्स्ट है पीपल पीपल लिविंग इन अ डैश मेक अ फैमिली एक साथ कहाँ पर रहने वाले लोगों को फैमिली कहा जाता है पहला है स्कूल में स्कूल में साथ में रहने वालों को फैमिली बोलते हैं नहीं फिर नेक्स्ट है हाउस घर में या थर्ड है सिटी तो कहाँ पर एक साथ रहने वालों को फैमिली बोलते हैं हाउस में न तो एक हाउस में रहने वालों को फैमिली बोलते हैं इसलिए इस पर हाउस पर टिक करोगे और यहाँ ब्लैंक में हाउस की स्पेलिंग फिल करोगे एच ओ यू एस ई -E, हाउस यहाँ पे ठीक है ऐसे ही टिक भी करना है और जो भी ब्लैंक है उसमें स्पेलिंग फिल भी करना है और ये वर्क आपको बुक में ही करना है ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी बी ये को इसे भी आपको बुक में ही फिल करना है ठीक है फर्स्ट है फैमिलीज़ लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन क्या फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो अपने बच्चों की लव और केयर करते हैं अपने बच्चों से लव भी करते हैं और उनकी परवाह करते हैं कि बच्चों को कहीं चोट ना आ जाए इसकी तबीयत ना ख़राब हो ऐसे केयर करते हैं ना तो ये बात सही है अगर सही है तो उसके आगे टिक करेंगे और अगर फॉल्स होगी तो उसके आगे क्रॉस करेंगे ये टिक होता है और ये क्रॉस होता है तो इसमें यहाँ पे राइट है कि एक ही फैमिली मेंबर अपने बच्चों की केयर करते हैं मतलब फैमिली मेंबर अपने बच्चों की केयर और लव करते हैं तो ये ट्रू है तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसी के अंदर टिक का साइन बनाइएगा ठीक है टिक नेक्स्ट है सम फैमिलीज़ हैव अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड फादर आल्सो कुछ फैमिलीज़ के दादी और दादा भी होते हैं नानी नाना भी होते हैं है ना ऐसा होता है कभी कभी किसी किसी फैमिलीज़ में नहीं रहते हैं मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली होती है मम्मी पापा और बच्चे रहते रहते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज़ में दादी दादा नानी नाना भी साथ होते हैं ना तो होता है ऐसा तो यहाँ पे भी टिक करिएगा थर्ड है चिल्ड्रन शुड नॉट डू एनी वर्क क्या बच्चों को, को कोई काम नहीं करना चाहिए करना चाहिए हेल्प करवानी चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स की है ना तो ये इनकी बात रॉन्ग है ये बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए तो हमें करना चाहिए ना इनकी बात रॉन्ग है इसलिए क्रॉस करते हैं नेक्स्ट है ओनली मदर शुड वर्क इन द किचन क्या सिर्फ मम्मी को ही किचन में काम करना चाहिए नहीं कोई भी किचन में काम कर सकता है सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है है ना तो ये बात भी इनकी रॉन्ग है ऊपर के दो ट्रू है और लास्ट टू फॉल्स है उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है ये दोनों एक्सरसाइज आपको फिल करके सेंड करनी है बाकी ये ओरल है इसे आपको खुद से बस रीड करके इसका आंसर मन में सोचना है और बोलना है फर्स्ट है नेम थ्री थिंग्स दैट आवर फैमिली गिव्स अस ऐसे तीन चीज़ें बताओ जो हमारी फैमिली हमें देती है तो क्या क्या है फूड था क्लोथ्स था और थिंग्स वी नीड मतलब जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और लव केयर रेस्पेक्ट प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है फैमिली से तो आप कोई भी थ्री बोल सकते हो मैंने यहाँ थ्री जो राइट किया है उसके अलावा भी कोई थ्री बोल सकते हो नेक्स्ट है हाउ डज़ योर फादर हेल्प यू आपके पापा आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं तो जिस भी तरह से हेल्प करते हैं आप वो यहाँ राइट करोगे हो सकता है वो आपकी स्टडी में हेल्प करते हो या फिर आपकी मनी में हेल्प करते हो आपकी किसी भी चीज़ में जिस भी चीज़ में हेल्प करते हो वो आपको बोलना रहेगा ठीक है ये ओरल क्वेश्चन हैं नेक्स्ट है वॉट डू यू डू फॉर योर पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हो वो यहाँ पे लिखोगे मतलब सिर्फ ओरल क्वेश्चन ये राइट नहीं करना है आपको ठीक है उसके बाद लास्ट है हुम डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली एंड वॉय आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा लव किसे करते हैं और क्यों रीज़न भी बताना पड़ेगा ठीक है सो आई होप आपको एक्सरसाइजेज सारी समझ में आ गई होंगी ये आपको बुक में या कॉपी में कहीं नहीं करना बस इसको आपको ओरल बताना है जैसे वीडियो देखते जाएंगे जब मैं क्वेश्चन करती हूँ फिर उसी के बाद आपको बताना रहेगा खुद से ही घर में ही ठीक है और ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करनी ए और बी कंप्लीट करके करेक्शन के लिए सेंड करनी है ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन